Welcome to Abipedia. Today I am going to discuss another important topic from basic concept of ecology series, that is mutualism. So इसके अंदर first of all we need to understand के question कैसे आते हैं. देखो यूपीएससी के अंदर बहुत बार question आया हुआ है on the lichen. तो state के अंदर वो सीधे ही पूछता है कि mutualism है क्या. ठीक है, तो बहुत बार इसके ऊपर question आया हुआ है. So in today's lecture I am going to discuss the various things कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी और वी कैन से स्टेट, राइट? ओके, नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज म्यूचुअलिज्म. नो म्यूचुअलिज्म इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज. जैसे जनरली वी स्टडी दिस टॉपिक अंडर कम्युनिटी इकोलॉजी. कम्युनिटी इज व्हेन द मोर देन वन स्पीशीज इंटरेक्ट विद वन अनदर, दैट इज अ कम्युनिटी. ठीक है, सो म्यूचुअलिज्म मींस दैट द नंबर ऑफ स्पीशीज इज मोर देन वन, राइट? इन दिस रिलेशन बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट. Both species get benefit. That is a mutualism. Now mutualism can be further divided into two things. One is obligative mutualism. Obligative. Another one is facultative. Obligative. Another one is facultative. Now in case of obligative mutualism, species cannot live. Species cannot live without one another. Without one another, right? कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती. Whereas in facultative, species can live without one another, right? Now this is the basic difference between obligative mutualism and facultative. But यहाँ तक अभी UPSC question ही पूछती. UPSC asked question on this before 2012. Whereas state के अंदर जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऑब्लिगेटिव फ्यूचरिज्म म्यूचुअलिज्म क्या है, वेरियस फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म क्या है. ठीक है, नदर थिंग इज के व्हाट इज ऑब्लिगेटिव म्यूचुअलिज्म हमने डिस्कस कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेटिव व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पूछी जा चुकी है. रिसेंटली यूपी के अंदर या यूपी पीसीएस के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट? नाउ ऑब्लिगेटिव म्यूचुअलिज्म मैंने बताया दैट स्पीसीज कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर, राइट? अब इसकी एग्जांपल है लाइकन. नाउ लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन और इट इज अ बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज. वन इज एल्गी, अनदर वन इज फंजाई. ओके, नाउ एल्गी इज अ फोटो ऑटोट्रॉफ. अगर मैं पूछूं कि एल्गी का न्यूट्रिशन क्या है, इट इज अ फोटो autotroph. It means it can make its own food, right? So it means that algae can make its own food, but there is a difference that algae is mostly are rootless. So it means ki isko nutrition chahiye. Theek hai, nutrients. It also need a various type of nutrients. To jo hume यहाँ से एल्गी को मिलते नहीं नॉर्मली, बिकॉज इट इज अ एपीफाइट. एपीफाइट वो होता है जो किसी की सपोर्ट लेके एनवायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेता है, राइट? Now fungi is a saprotroph. Saprotroph, it means it can absorb nutrition from the decayed matter. आपने देखा होगा बहुत जगह फंजाई कहाँ पे उगती है, जहाँ पे डेड मैटर पड़ा हो, राइट? तो यहाँ पे फंजाई इज अ सेप्रोट्रॉफ, इट मीन्स इट कैन अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इजिली. अब ये एक रिलेशन बनाते हैं वेयर फंजाई बोलती है कि ठीक है तू न्यूट्रिशन ले ले, न्यूट्रिएंट्स ले ले और फूड यहां से इसको ट्रांसफर कर, राइट? सो ये एक रिलेशन होता है. नो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटिव म्यूचुअलिज्म, क्योंकि जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे एल्गी एंड फंजाई को, तो लाइकन विल डाई. तो दिस इज अ कांसेप्ट दैट व्हाई वी कॉल दिस अ ऑब्लिगेटिव, कि जब आप सेपरेट करोगे दैट पर्टिकुलर स्पीसीज और लाइकन कैन नॉट लिव. So it means it is a obligative mutualism, right? Now the second example is, okay, now थोड़ी सी इसकी हम देख लेते हैं applications. Now lichen can be used, a lichen is also called as, we can say bio indicator. It is a bio indicator. क्यों? मैंने already बताया that algae is a we can say epiphyte. It means it will absorb nutrients, right?
जैसे एयर से अब्सॉर्ब करती है, जैसे फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के अंदर जो लोलैंड के एरिया के अंदर लाइकन बहुत थी, और जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज हुआ तो लाइकन सारी वहां से एलिमिनेट होगी। नाउ इट मीन्स दैट इट्स अ बायो इंडिकेटर, मतलब जहां भी पोल्यूशन हाई होगा लाइकन द पॉपुलेशन ऑफ लाइकन विल डिक्रीज। ठीक है, सो बायो इंडिकेटर इसलिए बिकॉज इट अब्सॉर्ब वी कैन से न्यूट्रिशन फ्रॉम एयर, एयर से अब्सॉर्ब करती है, राइट। जैसे ही एयर से अब्सॉर्ब करेगी, अगर एयर के अंदर स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड इज हाई, ठीक है, नो लाइकन विल डाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट। अनदर थिंग इज लाइकेनोमेट्री, अनदर थिंग इज लाइकेनोमेट्री, लाइकेनोमेट्री क्या होता है, इट इज अ बेसिकली साइंस वेयर वी स्टडी द एज ऑफ रॉक, एज ऑफ रॉक, रॉक की आप एज डिटरमाइन करते हो, कैसे करते हैं, अगर ये एक रॉक है, रॉक के अंदर अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो फर्स्ट स्पीसीज विच केम मोस्टली ऑन द रॉक इज लाइकन, तो यहाँ पे लाइकन ग्रो करी, नो दे विल डिटरमाइन द ग्रोथ रेट ऑफ लाइकन पर ईयर, ठीक है, पर ईयर डिटरमाइन करेंगे। अब मान लो लाइकन का साइज इतना है, वो लाइकन का डायमीटर निकालेंगे इसको पर ईयर की ग्रोथ से, टोटल डायमीटर को पर ईयर एक साल के अंदर कितना इंक्रीज होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल एज ऑफ लाइकन आ जाएगी। बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस के लाइकन सबसे पहले आती है तो ऑलमोस्ट हमें आइडिया मिलता है कि रॉक की एज कितनी होगी, बिकॉज लाइकन कैन सर्वाइव फॉर 10,000 ईयर्स ऑन अ बेयर रॉक। सो दीज आर एप्लीकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, राइट। नाउ अनदर थिंग इज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, अनदर थिंग इज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। नाउ इन फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट स्पीसीज कैन लिव विदाउट वन अनदर, इसकी प्राइम एग्जाम्पल है माइकोराइजा, माइकोराइजा, राइट। नाउ इन केस ऑफ माइकोराइजा, माइकोराइजा इट इज अ रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। आपने देखा होगा प्लांट्स के साथ में कहीं थोड़ा थोड़ा दूर, अगर बाहर ट्री देखो कई ट्री के साथ में थोड़ा थोड़ा दूर फंजाई ग्रो करी होती है, दैट इज अ रिलेशन ऑफ माइकोराइजा। नाउ प्लांट्स आर फोटोऑटोट्रॉफ, इट मींस दे कैन मेक देयर ओन फूड, फंजाई का सिमिलर पैटर्न, फंजाई इज अ सेप्रोट्रॉफ, इट मींस इट विल अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल और डिकेड मैटर, नाउ दे विल ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट टू प्लांट वेयर एज फूड विल बी ट्रांसफर टू फंजाई। But there is a one difference between the we can say lichen and mycorrhiza. In case of lichen, algae was rootless, whereas in case of mycorrhiza, plants have roots. It means plants can also absorb nutrients from the soil. Now the thing is कि ऐसा फिर relation क्यों है? Now this relation will boost the growth of plant. देखो एक तो plant की roots है, वो अपना जैसे आपके garden के अंदर कोई plant होगा तो उसके साथ ही ये relation नहीं है। तो वहां पे प्लांट अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, न्यूट्रिएंट जैसे सॉइल से अब्सॉर्ब करता है इट विल ग्रो, बट इन दिस केस फंजाई उसको फर्दर और न्यूट्रिएंट देती है, मतलब एक बूस्ट देती है टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर मैं बोलूं एक प्लांट वन ईयर के अंदर 2 मीटर ग्रो कर रहा है, नाउ विद द दिस माइकोराइजा रिलेशन वन ईयर के अंदर ये 2.5 मीटर ग्रो कर जाएगा, सो इट इज जस्ट बूस्ट अप द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। अब अगर आप इनको सेपरेट करोगे, प्लांट कैन सर्वाइव इवन फंजाई कैन सर्वाइव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। सो दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म एज वेल एज ऑब्लिगेटिव म्यूचुअलिज्म। तो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म के अंदर जो माइकोराइजा है, 90% ऑफ प्लांट्स हैव दिस पर्टिकुलर रिलेशन ऑफ माइकोराइजा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, आई होप कि आपको म्यूचुअलिज्म समझ आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई और इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनानी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।